हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग 10 मैराथन वीडियो में झारखंड समान ज्ञान को कंप्लीट रूप से पढ़ने वाले हैं, जो कि झारखंड पास सिपाही के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसी सीरीज में आज ये 9th नंबर का वीडियो होगा। इसमें आज हम लोग झारखंड में पर्यावरण, झारखंड में आपदा प्रबंधन, झारखंड के प्रमुख व्यक्ति तथा प्रशिष्ट, झारखंड के संविधान और झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है झारखंड में पर्यावरण की स्थिति। ठीक है, देखिए, झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। पर्यावरण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ है। पर्यावरण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ है? तो 1986 ईस्वी में पारित हुआ है। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1980 ईस्वी में किया गया था। झारखंड के शहरों में पर्यावरण असंतुलन, आवासीय समस्या, मल निकासी एवं जलावन निकासी है। ठीक है, आगे है कि झारखंड में पर्यावरण को सर्वाधिक हानि वनों की कटाई से होती है। ठीक है, अफ्रीकी मूल के चिकित्सकीय कल्पतरु वृक्ष की संख्या भारत में 9 है, जिसमें से 4 वृक्ष जो है वो मात्र झारखंड में है, यानी कि वो चारों वृक्ष रांची में है। ठीक है, कल्पतरु वृक्ष। ठीक है, आगे है कि झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियाँ, जिप्स बेंगलेसिस और जिप्स इंडिकस एवं अजिप्सियन गिद्ध पाई जाती है। झारखंड में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारणों में सर्वप्रमुख कारण है महानगरों एवं नगरों से निकलने वाला कचरा। ठीक है, झारखंड में रांची, धनबाद, पाकुड़ एवं चाकुलिया में पीपीपी मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 269.67 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। रांची नगर निगम की सफाई व्यवस्था का काम अगले 25 साल तक के लिए निजी कंपनी एक्ससेल इंफ्रा को सौंपा गया है। इसकी ज्वाइंट वेंचर जापानी कंपनी हिताची रांची से निकलने वाले कचड़े पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाएगी। जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति 2011 को लागू किया गया है। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला जिला है गिरिडीह। आगे है कि CAMPA से तात्पर्य झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण से है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। झारखंड में राष्ट्रीय हरित मिशन की शुरुआत मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने हेतु की गई है। झारखंड राज्य गंगा नदी संचरण प्राधिकरण 2009 में गठित किया गया। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2014 में प्रकाशित हुई थी। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खरसावां। जंगल की आग झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र जो है वो मौजूद हैं। आगे है झारखंड में आपदा प्रबंधन। देखिए, जो घटना अचानक एवं अल्पकाल में घटे तथा जिससे जीवन और संपत्ति की भारी क्षति हो, आपदा कहलाती है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकती है। रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए जानकारी विकसित की गई है। झारखंड में
मानव जनित या मानव निर्मित आपदाएं, रासायनिक दुर्घटना, परमाणविक दुर्घटना, रेल दुर्घटना प्रमुख आपदा हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन के लिए SDMA का गठन, राज्य के 24 जिलों में DDMA का गठन तथा SEC का गठन किया गया है। झारखंड में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु आपदा प्रबंधन को शिक्षा में प्रभावी ढंग से शामिल किया जाना चाहिए, अग्निशमन विभाग को दुरुस्त किया जाना चाहिए तथा आम जनों को आपातकाल से निपटने हेतु सामान्य जानकारी देनी चाहिए। झारखंड में आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य हेतु उपग्रह संचार प्रणाली का उपयोग, भारत संचार निगम लिमिटेड का सहयोग तथा उपग्रह फोन का उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में लागू किया गया है। झारखंड में भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भवनों के ढांचे सरल होना आवश्यक है तथा ऊँची इमारतों में अग्निशमन यंत्र लगाना आवश्यक है। बाढ़ भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के समय बचाव हेतु प्रभावित इलाकों में विद्युत आपूर्ति को रोक देनी चाहिए। बचाव हेतु घर या किसी खुले स्थान में चले जाना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपदा को परिभाषित किया गया है तथा इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदा से बचाव का प्रावधान किया गया है। झारखंड के देवघर में सावन मेला के दौरान मानव निर्मित आपदा की समस्या बनी रहती है। झारखंड में मानव निर्मित आपदा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है परंतु नियंत्रित किया जा सकता है। झारखंड में आपदा से सबसे ज़्यादा मौतें वज्रपात द्वारा होती है। हजारीबाग जिला आपदाओं में बुरी तरह से तथा सर्वाधिक प्रभावित रहा है। सर्वाधिक आपदा प्रभावित जिला में साहेबगंज तथा पलामू का स्थान क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय है। झारखंड में आपदा संबंधी कार्य हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA राज्य की मुख्य केंद्रक अधिकरण नोडल एजेंसी है। राज्य स्तर पर इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इसका कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य योजनाओं का संचालन, कार्यान्वयन व समन्वय करना है। इसकी सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। झारखंड में जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष जिले के उपायुक्त होते हैं। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए DDMA भोजन समन्वय एवं कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल NDRF की तर्ज पर झारखंड में झारखंड राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है। झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन 2004 ईस्वी में किया गया है। झारखंड में राहत कार्य के लिए जन की व्यवस्था राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष से की जाती है। राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष में धन संग्रह में 75% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है। 28 मई 2010 ईस्वी को झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन किया गया है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का मुख्य उद्देश्य है भिन्न भिन्न स्तर पर आपदा नियंत्रण के लिए योजना व रणनीति का निर्माण करना तथा बहु आपदा रिस्पॉन्स योजना विकसित करना, आपदा के बाद पुनः निर्माण कार्य एवं सामान्य जीवन बहाली हेतु प्रोजेक्ट तैयार करना, आपदा की स्थिति में भी कार्य करने वाले सूचना संपर्क नेटवर्क का विकास करना तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना। झारखंड राज्य में 2007 ईस्वी से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची से किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग नीड अलायंसेस TNA कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत झारखंड के रांची धनबाद जिलों में चलाया जा रहा है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSAC आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA को दूर संवेदन कार्टोग्राफी व अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA 2010 में गठित की गई है। जिला आपदा प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व जिला दंडाधिकारी या जिला समन्वयकर्ता दोनों में कोई भी एक कर सकता है। 2010 ईस्वी में झारखंड राज्य को वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के एक राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है।
आगे है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख व्यक्ति से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं तिलका मांझी से। देखिए भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिलकपुर गाँव में। कब? 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तिलका मांझी का जन्म स्थान जो है वो संस्थाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र वनचरी जोर भागलपुर था। कहाँ था? भागलपुर था। राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अपने तीर से मार गिराया था। किसको? क्वीकलैंड को, ठीक है। चले आगे है, तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ के पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था, ठीक है। तिलका मांझी को पकड़वाने में पहाड़िया सरदार जौराह था। कौन था? जौराह का था, इसमें अहम रोल था। और आगे है कि तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था। आगे है बुद्धू भगत। देखिए कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1790 ईस्वी को हुआ था। बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गाँव में हुआ था। सिलागाई कोयल नदी के तट पर बसा हुआ है। बुद्धू भगत का जन्म उरांव परिवार में हुआ था। बुद्धू भगत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। और झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी बुद्धू भगत थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम घोषणा करना पड़ा था। 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए। आगे हैं सिद्धू कान्हू के बारे में। देखिए सिद्धू कान्हू का जन्म स्थल जो है वो संस्थाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ है? तो भोगनाडी गांव में, संस्थाल परगना के भोगनाडी गांव में इनका जन्म हुआ था। सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में। और कान्हू का जन्म, सिद्धू का जन्म हुआ था 1815 में, कान्हू का जन्म हुआ था 1820 में, चांद का जन्म 25 में और भैरव का जन्म 35 में। चलिए अच्छा है, 5 5 5 का गैप दीजिए, फिर 10 का गैप दे दीजिए, ठीक है। चलिए आगे है, सिद्धू कान्हू के पिता का नाम था चुन्नी मांझी। सिद्धू कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ संस्थाल विद्रोह यानी कि हुल आंदोलन का नेतृत्व किया था। संस्थाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद एवं भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे। 30 जून 1855 को भोगनाडी की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था। संस्थाल विद्रोह का मुख्य नारा था करो या मरो अंग्रेजों, हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। चलिए आगे है, सिद्धू अपनी दैवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संस्थाल हुल के लिए तैयार रहने को कहा। बरहाइत के लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए। सिद्धू कान्हू को बरहाइत में फांसी दिया गया और हुल दिवस 30 जून को मनाते हैं। हुल दिवस 30 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे है तेलगा खड़िया। देखिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलगा खड़िया का जन्म हुआ था 6 फरवरी 1806 ईस्वी को, ठीक है। तेलगा खड़िया का जन्म गुमला जिला के सिसई गांव में हुआ था। तेलगा खड़िया के पिता का नाम था दुइया खड़िया। तेलगा खड़िया के पिता नागवंशी महाराजा के भंडारी थे, नागवंशी महाराजा के भंडारी थे। तेलगा खड़िया के माता का नाम था पोतो खड़िया। और देखिए तेलगा खड़िया का विवाह 1846 ईस्वी में रतनी खड़िया के साथ हुआ था। तेलगा खड़िया ने अंग्रेजों, जमींदारों तथा अन्य अत्याचारियों से लड़ने हेतु गुमला के आसपास के गांव में अपना संगठन बनाया था। अपने संगठन को ये जूरी पंचायत कहते थे। तेलगा खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी ग्राम के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कलकत्ता जेल में भेज दिया गया था। 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को बोधन सिंह ने गोली मारकर तेलगा खड़िया को हत्या कर दी थी। जिस स्थल पर तेलगा खड़िया की
उनका जो दफनाया गया था वह स्थल आज तिलगा खड़िया टाँड़ के रूप में जाना जाता है। आगे है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। देखिए 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1817 ईस्वी को। बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के पिता का नाम था रघुनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की माता का नाम था वानेश्वरी कुंवर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया को बनाया थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका और स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाही का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया। मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को लोहरदगा में गिरफ्तार किया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को विश्वनाथ दुबे ने विश्वासघात करके गिरफ्तार करवाया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कैप्टन नेसन नामक अंग्रेजी सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास, जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है, वहीं फांसी दिया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कदम वृक्ष में लटकाकर फांसी दिया गया था। आगे है पांडे गणपत राय। देखिए 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में अमर सेनानी पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा जिले के भैरव गांव में हुआ था। पांडे गणपत राय के पिता का नाम था राम किशुन राय। पांडे गणपत राय की पत्नी का नाम था सुगंधा कुंवर। पांडे गणपत राय छोटा नागपुर के महाराज के दीवान थे। 1857 के विद्रोह में पांडे गणपत राय ने अपना सेना नायक बनाया था। पांडे गणपत राय को 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलकर भाग लिया। पांडे गणपत राय को परहेपाट के जमींदार महेश शाही ने विश्वासघात करके गिरफ्तार करवाया था। पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करवाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन नेसन था। पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास स्थित कदम वृक्ष में लटकाकर फांसी दिया गया था। आगे है टिकैत उमराव सिंह। देखिए 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में खटंगा गांव में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का संबंध बंध गांव राज परिवार से था। टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के राजा थे। 1857 के विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह उनके छोटे भाई टिकैत घासा सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुट्टू पालू तथा चारू घाटी में अंग्रेजी सेना को प्रवेश करने से रोक दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लोहरदगा के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार करके 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया गया। टिकैत उमराव सिंह को चुट्टू पालू घाटी में फांसी दिया गया था। टिकैत उमराव सिंह को वट वृक्ष में लटकाकर फांसी दिया गया था। टिकैत उमराव सिंह को विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर फांसी दिया गया था। आगे है शेख भिखारी के बारे में। 1857 के विद्रोह के नायक शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था। शेख भिखारी का जन्म रांची जिला के ओरमांझी थाना के खुदिया गांव में हुआ था। शेख भिखारी के पिता का नाम शेख पहलवान था। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। शेख भिखारी ने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिया। 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी ने अंग्रेज फौज को रोकने के लिए चुट्टू पालू के मार्ग को अवरुद्ध किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान संस्थाल विद्रोहियों से शेख भिखारी ने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया गया। शेख भिखारी को चुट्टू पालू घाटी में वट वृक्ष से लटकाकर फांसी दिया गया था। आगे है नीलाम्बर पीताम्बर के बारे में। 1857 के विद्रोह में पलामू के भोक्ता नेता नीलाम्बर पीताम्बर ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। भोक्ता खरवार जनजाति की उपजाति का या शाखा है। 1857 के विद्रोह में नीलाम्बर एवं पीताम्बर का साथ चेरो जनजाति ने दिया।
पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीतांबर ने किया। ये जो नीलांबर पीतांबर थे वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर ने चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया। नीलांबर पीतांबर दोनों सगे भाई थे। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीतांबर ने चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदार ने चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया। भोक्ता सरदार नीलांबर पीतांबर शाहबाद के विद्रोहियों से मिल गए थे। शाहबाद के बाबू अमर सिंह का पर्दापन खरौंधी पलामू में हुआ था। नीलांबर पीतांबर गिरफ्तारी डाल्टन ने के द्वारा किया गया। नीलांबर पीतांबर को 28 मार्च 1859 को फांसी दिया गया था। नीलांबर पीतांबर को लेस्लीगंज में आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था। आगे देखिए बिरसा मुंडा के बारे में। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म उलिहाती गांव में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान खूंटी जिला में है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम है सुगना मुंडा और माता का नाम है करमी। बिरसा मुंडा पाँच भाई बहन थे, कोंता, दस्कीर, चंपा, बिरसा और कानू। बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। बिरसा मुंडा के परिवार ईसाई था। बचपन में बिरसा सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हो गए थे और ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीहदास रखा गया था। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम दाऊद रखा गया था। बिरसा का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन 7 मई 1886 को चाईबासा लुथेरन के मिशन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है। आगे इसके बाद कि बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल में हुआ था। ठीक है, और बिरसा मुंडा ने अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए बुरजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया था। बिरसा ने चाईबासा में रहकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी। बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने दी थी। किसने? जयपाल नाग ने। बिरसा पेशे से बुनकर थे। बिरसा मुंडा अपने धर्म विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देते थे। बिरसा मुंडा पूर्णतया वैष्णव हो गए थे। बिरसा मुंडा जनेऊ, खड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे। आगे देखिए, जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को बिरसा मुंडा ने दी थी। बिरसा मुंडा आदिवासियों से सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे। बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत बताया। बिरसाई धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया था। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी को अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। 30 नवंबर 1857 को विक्टोरिया के हरिक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रीटेड फील्ड था। डोमबारी पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु था। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किए गए। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये के इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा मुंडा के गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा बीमारी की वजह से हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुआ था। बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे पर दफना दिया गया था, जहां एक स्मारक बना दिया गया है। झारखंड क्षेत्र की व्यवस्था समझाने वाले प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा, बिरसा भगवान कहा जाता है। बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा के रूप में मानते हैं। धरती आबा एवं भगवान कहते हैं। आगे है गया मुंडा के बारे में। मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता हैं गया मुंडा। मुंडा विद्रोह के जो दूसरे अग्रणी नेता हैं गया मुंडा हैं। गया मुंडा बिरसा मुंडा के सेनापति थे, इसलिए बार बार बिरसा बोला जा रहा है। ठीक है, गया मुंडा खूंटी जिले के एटकडीह गांव के रहने वाले थे। एटकडीह तजना नदी के तट पर है। गया मुंडा के
हाथों मारा जाने वाला सिपाही जयराम था। रांची के डिप्टी कमिश्नर स्टेट फील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने 6 जनवरी 1900 ईस्वी को उसके गांव एटके डी पहुँचे। गया मुंडा और उसकी मंझेले पुत्र सानरे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को फांसी दिया गया था। गया मुंडा के पुत्र डोंका मुंडा को आजीवन कारावास की सजा दिया गया था। आजीवन देश निर्वासन तक का दंड पाया। जयमासी मुंडा गया मुंडा का ही बेटा था और गया मुंडा की पत्नी माकी को 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। देखिए सबसे डेंजर कहानी है इनका। चलिए आगे है जतरा भगत के बारे में। देखिए टाना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत का जन्म 1888 ईस्वी को हुआ था। जतरा भगत का जन्म गुमला जिला के बिष्णुपुर प्रखंड के चिंगरी नावा टोली गांव में हुआ था। जतरा भगत का जन्म उराव परिवार में हुआ था। जतरा भगत के पिता का नाम था कोडल उराव। जतरा भगत के माता का नाम था लिबरी। जतरा भगत के पत्नी का नाम था बुधनी। झारखंड क्षेत्र के टाना भगत आंदोलन से जतरा उराव संबंधित थे। टाना भगत आंदोलन मुख्यतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। टाना उराव जनजाति की एक शाखा है। टाना भक्तों के आंगन में तुलसी चौरा और सफ़ेद झंडा आवश्यक है। टाना भगत सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं। खादी का वस्त्र और खादी की तिरंगा टाना भक्तों के जीवन संगी है। जतरा भगत ने अपना आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया। जतरा भगत ने उराव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने और यज्ञोपवीत धारण करने और अपने अपने घरों को आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश न मानने और खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उद्देश्य दिया था। जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार किया गया था। जतरा भगत को गिरफ्तार करने के पश्चात रांची जेल में रखा गया था। जतरा भगत की मृत्यु 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि बाबू राम नारायण सिंह, स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। राम नारायण सिंह का जन्म चतरा जिले के तेतरिया गांव में हुआ था। नाम नारायण सिंह के पिता का नाम था भोली सिंह। राम नारायण सिंह ने मैट्रिक परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल से पास की और आईए की परीक्षा संत जेवियर कॉलेज कोलकाता से पास की और बीए की शिक्षा रिपन कॉलेज कोलकाता से प्राप्त की और लॉ की डिग्री पटना से प्राप्त की और 1913 में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए। इस पद से उन्होंने 1915 में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1920 में ईस्वी में पटना में वकालत शुरू की, पुनः चतरा में वकालत प्रारंभ किया और 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। राम नारायण सिंह 1924 में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचन उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक रहे। राम नारायण सिंह 1927 ईस्वी में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने, जिस पर वे 1946 तक रहे। इन्होंने 1946 में संविधान सभा के सदस्य में निर्वाचित हुए। ठीक है, याद रखिएगा निर्वाचन इनका हुआ था ना संविधान सभा के सदस्यों में। और 1952 में लोकसभा चुनाव में राम नारायण सिंह हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे और स्वराज्य लूट गया पुस्तक की रचयिता हैं ये और छोटा नागपुर केसरी नाम से ये ही जाने जाते हैं, छोटा नागपुर केसरी नाम से ही जाने जाते हैं। 18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में राम नारायण सिंह को महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी उपाधि से इन्हें अलंकृत किया था। योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना राम नारायण सिंह ने की थी। अलग राज झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण सिंह का निधन 1964 में हुआ था। आगे श्रीमती सरस्वती देवी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली श्रीमती सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901 ईस्वी को हुआ था। श्रीमती सरस्वती देवी का जन्म हजारीबाग में हुआ था। श्रीमती सरस्वती देवी का पिता का नाम था प्रोफेसर विष्णुदयाल लाल सिन्हा। ठीक है, और इन्होंने पर्दा प्रथा उन्मूलन हेतु आंदोलन का नेतृत्व 1928 में किया था। जेल जाने वाली हजारीबाग की पहली महिला सरस्वती देवी थी, जिन्हें 26 जनवरी 1930 ईस्वी को झंडा तोलन के आरोप में जेल जाना पड़ा और इन्हें 1937 में भागलपुर जिले के विधानसभा के क्षेत्र में विजयी हुए। भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश हजारीबाग में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सरस्वती देवी के नेतृत्व में किया गया। 11 अगस्त 1942 को श्रीमती सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया गया। श्रीमती सरस्वती देवी का निधन 1998 में हुआ था। आगे हैं सुखलाल सिंह,
राष्ट्रीय आंदोलन में चतरा एवं हजारीबाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुखलाल सिंह का जन्म 3 जून 1897 को हुआ। सुखलाल सिंह ने स्नातक की शिक्षा BN कॉलेज पटना से प्राप्त किया। सुखलाल सिंह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह के भाई थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दौर में सुखलाल सिंह चतरा में बंदी बनाए गए। सुखलाल सिंह 1934 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्वाचित चेयरमैन बने। चतरा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से 1936 में विधायक निर्वाचित हो गए और 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार फिर हुए और 1952 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में चतरा के विधायक फिर से चुने गए और 9 जून 1919 को इनका निधन हो गया 1969 ईस्वी को। आगे है बजरंग सहाय। राष्ट्रीय आंदोलन में गिरिडीह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बजरंग सहाय ने निभाया। बजरंग सहाय का जन्म 1 दिसंबर 1896 ईस्वी को हुआ था। बजरंग सहाय का जन्म गिरिडीह जिले के चंबा गांव में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हजारीबाग में संपन्न 16वें अधिवेशन में उग्र भाषण देने के आरोप में बजरंग सहाय को गिरफ्तार किया गया। झारखंड में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बजरंग सहाय थे। गिरिडीह में नमक सत्याग्रह में बजरंग सहाय ने प्रभावी भूमिका निभाई थी। 1952 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बजरंग सहाय 18 दिसंबर 1962 को दुनिया से चल बसे। आगे है कृष्ण बल्लभ सहाय। देखिए, बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय का जन्म 21 दिसंबर 1898 ईस्वी को हुआ था। कृष्ण बल्लभ सहाय के पिता का नाम था बाबू गंगा प्रसाद। कृष्ण बल्लभ सहाय के जिला स्कूल हजारीबाग से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त किए। कृष्ण बल्लभ सहाय ने स्नातक की शिक्षा संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से प्राप्त किए। कृष्ण बल्लभ सहाय खजांसी तालाब के निकट नमक बनाकर कानून तोड़े थे और बिहार के राजस्व मंत्री के रूप में कृष्ण बल्लभ सहाय ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। कृष्ण बल्लभ सहाय 1963 से 67 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। 1974 में इनका निधन हुआ था। आगे है विनोदानंद झा। बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का जन्म 17 अप्रैल 1900 ईस्वी को हुआ था। विनोदानंद झा का जन्म देवघर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान तीर्थनगर देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना करवाने वाले विनोदानंद झा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1923 में गठित बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी के संस्थान प्रगना का कार्यभार विनोदानंद झा ने सौंपा गया था। संस्थान प्रगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई विनोदानंद झा ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में विनोदानंद झा जेल जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर में 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। जयपाल सिंह के नेतृत्व में वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने वाले विनोदानंद झा सक्रिय भूमिका निभाए। विनोदानंद झा 1963 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने। आगे हैं जयपाल सिंह। अलग राज झारखंड आंदोलन के प्रणेता मरांग गोमके जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। जयपाल सिंह का जन्म खूंटी जिले के टकरा गाँव में हुआ था। जयपाल सिंह को बचपन का नाम था वेदनत पाहन। क्या था? वेदनत पाहन नाम था। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम ईश्वरदास पड़ा। खूंटी के इनके पुरोहित जयपाल मिश्र ने इनका नामांकन जयपाल सिंह किया। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु सुकरा पाहन थे। संत पॉल स्कूल के प्राचार्य जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के उद्देश्य से 1919 ईस्वी में इंग्लैंड ले गए। जयपाल सिंह ने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड में से 1922 ईस्वी में पास किए। 1928 ईस्वी में एम स्टैंडम ओलंपिक में जयपाल सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। जयपाल सिंह 1934 से 37 तक डच ईस्ट कंपनी छोड़कर अचीमोंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स और गोल्ड स्टोक पश्चिमी अफ्रीका में प्रधानाध्यापक बने। जयपाल सिंह 1937 में रायपुर के प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल बने। जयपाल सिंह बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर के बने और वर्मा सेल के मैनेजर भी बने। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बने। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने किया। 1950 में स्थापित झारखंड पार्टी की संस्थापक जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह 1946 में संविधान सभा के सदस्य बने थे। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद विनोदानंद झा की सरकार ने जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया। जयपाल सिंह का विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ब्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार से हुआ था, जहां आरा जयपाल सिंह की द्वितीय पत्नी थी। मरांग गोमके तथा मुंडा राजा के नाम से जयपाल सिंह को जाने जाते थे। बिरसा मुंडा का अवतार जयपाल सिंह को माना जाता है। जयपाल सिंह 1952 से 70 तक खूंटी का सांसद रहे। जयपाल सिंह की मृत्यु 1970 में हुआ था। आगे है लोन सनाय कलबटी का। अपनी वीरता के लिए विख्यात
लॉरेंस नाइट अल्बर्ट एक्का का जन्म 1942 में हुआ था। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के जड़ी गांव में हुआ था। अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम था जूलियस एक्का। अल्बर्ट एक्का के माता का नाम था मरियम एक्का। अल्बर्ट एक्का का पत्नी का नाम था वेलेडीना एक्का। अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लॉरेंस नायक के रूप में 1962 में भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के एवज में हुई। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शत्रुओं के हमले में विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए। 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। आगे है सुशील कुमार बागे। देखिए, बिहार विधानसभा 1952 से 1962 तक विपक्ष के नेता रहे सुशील कुमार बागे का जन्म 9 जून 1922 को हुआ था। सुशील कुमार बागे जन्म सिमडेगा के अंतर्गत कोलेरबीरा बरस लोचा पंचायत के अंतर्गत जोनहा टीला के भोजपुर गांव में हुआ था। सुशील कुमार बागे के पिता का नाम था क्रिस्टोफर बागे और माता का नाम था नरमी बागे। और सुशील कुमार बागे का स्नातक की परीक्षा संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से पास हो गए और इनके जो परीक्षा जो दर्शन शास्त्र में विषय में पटना विश्वविद्यालय में पास हो गए, ये उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। और आगे है कि सुशील कुमार बागे जो है झारखंड पार्टी से प्रारंभ में प्रेस सचिव के रूप में काम किए थे। झारखंड पार्टी के विधायक के रूप में सुशील कुमार बागे 1952 से 1962 तक कोलेबीरा विधानसभा के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया। सुशील कुमार बागे ने बिहार विधानसभा ने झारखंड में अलग राज्य का प्रस्ताव 17 बार रखा था। सुशील कुमार बागे की मृत्यु 1984 में हुआ था। आगे है कार्तिक उराव। झारखंड के प्रखर नेता कार्तिक उराव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। कार्तिक उराव का जन्म लीटा टोली गुमला में हुआ था। कार्तिक उराव के पिता का नाम था जबरा उराव। कार्तिक उराव के गुमला उच्च विद्यालय से 1942 में मैट्रिक पास किए। मैट्रिक पास किए जरूरी नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे जो जरूरी चीज़ है वो पढ़ेंगे। आगे देखिए, कार्तिक उराव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमनटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे। कार्तिक उराव की शादी 1950 में सुमंती उराव के साथ हुआ था, ये भी जरूरी है। कार्तिक उराव की तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लंदन में मुलाकात 9 जून 1959 को हुआ था। कार्तिक उराव जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे। कार्तिक उराव ने भारत लौटने के पश्चात एचईसी रांची में नौकरी की। कार्तिक उराव सर्वप्रथम 1962 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े जिसमें वो पराजित हुए। कार्तिक उराव 67-71-80 कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में विजयी रहे। कार्तिक उराव केंद्र में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के रूप में काम किए। कार्तिक उराव केंद्रीय संचार मंत्री भी बने। कार्तिक उराव गुमला के बिशुनपुर विधानसभा के क्षेत्र में विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री भी बने। कार्तिक उराव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद का स्थापना 1967 में हुआ था। कार्तिक उराव 1981 में इनका निधन हुआ। आगे है शिबू सोरेन के बारे में। देखिए, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म 1942 में हुआ था। शिबू सोरेन का जन्म रेमना रामगढ़ में हुआ था। शिबू सोरेन के पिता का नाम था सोबरन मांझी, माता का नाम था सोनामणि और पत्नी का नाम था रूपी सोरेन और मूल नाम इनका शिवचरण लाल मांझी था। और शिबू सोरेन प्रारंभ में महाजनों के खिलाफ आंदोलन में अगुवाई किए थे। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संस्थान समाज का गठन 1970 में किया गया था। आगे है चिरुडू नरसंहार में 1975 में शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था। शिबू सोरेन पहली बार टुंडी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव 1970 में लड़े जिसमें वो हार गए थे। शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा हेतु 1980 में निर्वाचित हुए थे। शिबू सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किए थे। शिबू सोरेन 1973 में विनोदा बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव डाली और इसके संस्थापक महासचिव बने। 1973 में शिबू सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष 1987 में बने थे। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त जैक का गठन होने के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन बनाए गए थे। आगे है कि शिबू सोरेन ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में 2 बार केंद्रीय कोयला मंत्री बने। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 को बने। शिबू सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन 2009 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और बाद में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन के शशिनाथ झा हत्याकांड के आरोप में जेल जाना पड़ा था तथा उम्र कैद की सजा भी हुई थी। शशिनाथ झा शिबू सोरेन के निजी सचिव थे। आगे हैं महेंद्र सिंह धोनी।
देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं विकेट कीपर बल्लेबाज माननीय लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम था पान सिंह और माता का नाम था देवकी सिंह, पत्नी का नाम था साक्षी रावत। और महेंद्र सिंह धोनी की प्रारंभिक शिक्षा डीएवी जवाहर विद्या मंदिर रांची से हुआ। महेंद्र सिंह धोनी माही के नाम से जाने जाते हैं। एमएसडी को माही और एमएसडी और एमएस कैप्टन कूल के उपनाम से भी जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी अपना पहला एक दिवसीय मैच बांग्लादेश के विरुद्ध खेले थे। महेंद्र सिंह धोनी का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण 23 सितंबर 2004 को बांग्लादेश के विरुद्ध हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट मैच में पदार्पण 2006 में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी अपना पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के विरुद्ध खेले थे। झारखंड की ओर से T20 एक दिवसीय तथा टेस्ट मैच खेलने वाला पहला विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में पहला T20 विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीते। महेंद्र सिंह धोनी का एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक स्कोर 183 रन है। यह रन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर है। महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के विरुद्ध 2005-06 में एक दिवसीय श्रृंखला में 219 रन के औसत से विश्व रिकॉर्ड बनाया। महेंद्र सिंह धोनी किसी श्रृंखला में 200 से अधिक औसत रन बनाने वाले एकमात्र विकेट कीपर हैं। धोनी द्वारा 320 एक दिवसीय मैच में 273 पारियों बनाए गए लगभग 10,000 रन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक औसत 51.54 के बनाए गए हैं। झारखंड के सर्वाधिक व्यक्तिगत आयकर दाता महेंद्र सिंह धोनी हैं। महेंद्र सिंह धोनी 2007 में झारखंड रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न से इनको पुरस्कार किया सम्मानित किया गया था। 2009 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में 2011 में विश्व कप जीता। महेंद्र सिंह धोनी के जीवनी पर बनी फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी है। वर्ष 2017 महेंद्र सिंह धोनी ने दुबई में अपनी पहली क्रिकेट अकादमी शुरू की। आगे है 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के तीनों फॉर्मेट के T20 वर्ल्ड कप 2007 एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2011 चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान हैं। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। लेटेस्ट ऐड कर दिए 5 बार, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को माही, एमएसडी और एमएस कैप्टन कूल के उपनाम से भी जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें 2008 ईस्वी में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे है प्रशिष्ट, तो चलिए प्रशिष्ट को भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पास है कि झारखंड के उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। देखिए 2018 में मेनका सरदार भाजपा से थे। 2017 में विमल प्रधान भाजपा से थे। 16 में स्टीफन मरांडी झामुमो से थे। 15 में प्रदीप यादव झारखंड विकास मुक्ति मोर्चा से थे, जेबीएम से। 13 में लोबिन हेम्ब्रम ये भी जेबीएम से थे। और रघुवर दास 2012 में भाजपा से थे। 11 में माधव लाल सिंह कांग्रेस से थे। 10 में जनार्दन पासवान थे, राजद से थे, ठीक है। बाकी नीचे वाला उतना इंपोर्टेंट है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तिगत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पद्म भूषण और भारत रत्न से सम्मानित हैं जे आर डी टाटा समाज सेवा में 1955 में, और जे आर डी टाटा को समाज सेवा में फिर 1952 में भारत रत्न दिया गया। पद्म श्री से सम्मानित हैं भागवत मुर्मू समाज सेवा में 1985 में, चीतू टूडू कला में, श्याम चरण पति कला में, मंगल प्रसाद मोहंती कला में, महेंद्र सिंह धोनी खेल में, मकर ध्वज दरोगा कला में, गोपाल प्रसाद दुबे कला में, प्रेमलता अग्रवाल खेल में, अशोक भगत सामाजिक कार्य में, सिमोन उराव सामाजिक कार्य में, दीपिका कुमारी खेल में, मुकुंद नायक कला में, बलबीर दत्त पत्रकारिता में और दिगंबर हांसदा साहित्य और शिक्षा में। द्रोणाचार्य से पुरस्कार किसको मिला है? पूर्णिमा महतो को तीरंदाजी में 2013 में। ध्यानचंद्र पुरस्कार सिल्वानुस डुंडुंग को और सुमरई टेटो को क्रमशः हॉकी में 16-17 में दिया गया। युवा साहित्य अकादमी नीलोत्पल मृणाल और मैना टुडू को साहित्य में दिया गया है 2016-17 में। बाल साहित्य पुरस्कार जोवा मुर्मू को दिया गया है साहित्य में 2017 में। संस्थाली अकादमी पुरस्कार भुजंग टुडू को संस्थाल साहित्य सम्मान दिया गया 17 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में 2007 में दिया गया। पद्म भूषण महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में 2018 में दिया गया।
आगे है झारखंड के राज्यपाल। देखिए सबसे पहला राज्यपाल है प्रभात कुमार, ठीक है, 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक, और वीसी पांडे कार्यवाहक 4 फरवरी 2002 से लेकर के 14 जुलाई 2002 तक, एम रामा जोईस जो है 15 जुलाई 2002 से लेकर के 11 जून 2003 तक, वेद प्रकाश मारवा 12 जून 2003 से लेकर के 9 दिसंबर 2004 तक, सैयद सिप्ते रजी 10 दिसंबर 2004 से लेकर के 23 जुलाई 2009 तक, कतिकल शंकर नारायण 24 जुलाई 2009 से लेकर के 21 जनवरी 2010 तक, एम ओ एच फारूक 22 जनवरी 2010 से लेकर के सितंबर 3 सितंबर 2011 तक, सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 से लेकर के 15 मई 2015 तक, और द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से लेकर के, और ये इनके बाद भी एक रमेश महेश बन गए और एक राधा कृष्णन बन गए, तो उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान वाले जो हैं वो इस राधा कृष्णन हैं, तो उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। चले आगे है झारखंड के मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले हैं बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से लेकर के 2003 तक, अर्जुन मुंडा 2003 से 5 तक, और शिबू सोरेन 2 मार्च से लेकर के 12 मार्च, मैंने 10 दिन के लिए, अर्जुन मुंडा 12 मार्च 2005 से लेकर के 2006 तक, मधु कोड़ा 2006 से लेकर के 2008 तक, शिबू सोरेन 8 से लेकर के 9 तक, राष्ट्रपति शासन फिर लागू हुआ 19 जनवरी 2009 से लेकर के 27 दिसंबर 2009 तक, पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में, शिबू सोरेन फिर बने 30 दिसंबर 2009 से लेकर के 2010 तक 30 मई तक, और राष्ट्रपति शासन फिर लगा 1 जून 2010 से लेकर के 10 सितंबर 2010 तक, अर्जुन मुंडा बने 11 सितंबर 2010 से लेकर के 8 जनवरी 2013 तक, राष्ट्रपति शासन फिर लागू हुआ 2013 में, ठीक है, और एक बार लगा 2009 में, और फिर से लगा एक बार 10 में, ठीक है, 9 10 और 13 याद रखिएगा। फिर हेमंत सोरेन बने 13 जुलाई 2013 से लेकर के 26 दिसंबर 2014 तक, रघुवर दास बने 28 दिसंबर 2014 से लेकर के कुछ दिनों तक, फिर बने हेमंत सरकार, तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में है हेमंत सोरेन, ठीक है। आगे है झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश आप सबसे पहले प्रथम वाला याद रखिए और अभी वर्तमान वाला याद रखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो प्रथम थे न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है, 15 नवंबर 2000 से लेकर के 4 मार्च 2003 तक, और आखिरी याद रखिएगा तो ये काफ़ी अद्भुत सिपाही के लिए, ठीक है। और अंतिम थे 13वां न्यायाधीश अनुरोध बोस, जो कि 12 अगस्त 2018 से अब तक हैं, ठीक है। चलिए आगे इसके बाद कि झारखंड राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, तो झारखंड राज्यसभा के सदस्य धीरज प्रसाद साहू 18 से 24 कांग्रेस से हैं ये, परिमल नाथवानी 14 से 20 निर्दलीय हैं, मुख्तार अब्बास नकवी 2016 से 22 तक हैं भाजपा, प्रेमचंद गुप्ता 14 से 20 तक है राजद से, समीर उराव 18 से 24 भाजपा, और महेश पोद्दार जो है 16 से 22 तक है भाजपा। आगे है झारखंड के सदान टॉपिक, देखिए सदान झारखंड के मूल निवासी थे, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी 70% थी, सदान झारखंड की मूल गैर जनजाति को कहते हैं, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द का मतलब है नागपुरी भाषा का एक शब्द है, प्रजाति दृष्टि से सदान आर्य थे, और सदानों की भाषा सदानी या सादरी कहलाती है, सदान लोग मुख्यतः नागपुरी कुरमाली खोटा पंचप्रगनिया भाषाओं का प्रयोग करते हैं, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा कृषि है, हिंदू सदानों की धार्मिक आस्था एवं क्रियाकलाप जनजातीय धर्म से प्रभावित है, अधिकांश हिंदू सदान शिव के उपासक हैं, हैजा चेचक आदि महामारियों को देवी का प्रकोप मानकर शीतला देवी की पूजा की जाती है, सदानों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना पाई जाती है, सदान समाज पितृसत्तात्मक होती है, सदानों के गाँव की पहचान आखड़ा से होती है, करम उत्सव में लड़कियां का सामूहिक नृत्य अखाड़ा में होता है, सदान अनेक जातियों एवं उपजातियों जैसे राउतिया बड़ाइक धानुका पान परमानिक ताती स्वानी भुइया कोष्टा झोरा रक्सेल घासी गोसाई बहरा बरगाहा बावरी भाट बिंद गुड़ाइत कांदू लोहडिया खड़ाइत और सराक मलार कलवार तथा मोमिन में विभक्त हैं, सदान आदिवासियों के समकालीन ही नहीं बल्कि उससे भी प्राचीन समुदाय हैं, यह समुदाय स्वदेशी संस्कृति से आवृत विभिन्न जातियों एवं धर्मों का समूह है। आगे है परीक्षा कॉर्नर, ठीक है, तो चलिए परीक्षा कॉर्नर के प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं सारे के सारे। संस्थान के संस्थापक पिता कौन हैं, तो लुगुबुरु हैं।
और वह जनजाति जिसकी ओल चिकी लिपि में नाम वाली अपनी लिपि है संस्थाल, कौन सा गोत्र कुड़ुक के नाम से भी जाना जाता है उराव, संस्थाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सुहराई कहलाता है, किसान का त्यौहार, किसानी का त्यौहार, शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य के रूप में जाना जाता है हुंटा, और झारखंड में झारखंड के राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में चर्चित जनजाति है सौरिया पहाड़िया, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञान संगीत है डोमकच झूमर और दंगरा विवाह और ओगनी, झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम है जानकारी को प्रचार देने के लिए, आदि आंदी गीत को खालिस्तान के अवसर पर गाया जाता है तो शादी विवाह, मुंडा ससान में क्या रखते हैं तो अपने पूर्वजों की हड्डियां, झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है जनजाति की पहचान करे उराव, सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है बा पर्व, झारखंड में बिरहोर जनजाति लोगों के निवास के रूप में जाना जाता है टंडा, झारखंड के रांची जिला में कौन से जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है मुंडा, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है तो सौरिया पहाड़िया, कौन सी जनजाति एक बहादुर मार्शल जनजाति है खरवार, झारखंड राज्य में लगभग आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं 90%, संस्थाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं सरहुल का दूसरा नाम क्या है बाहा, झारखंड की कौन सी जनजाति सत्य के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है खरवार, और आगे है कि उथलुस और जागीस झारखंडी के जनजाति के वर्ग है बिरहोर, अच्छा बुनकर किस कबीले के संबंधित है तो चीक बड़ाइक, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है छठा, आगे है कि झारखंड राज्य में किस त्यौहार के अवसर पर पशु धोया जाता है पूजा किया जाता है सुहराई, असुर झारखंड में एक जनजाति किस जिले में पाए जाते निवासी है तो पलामू, सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है तो हरियाड, और झारखंड के पलामू जिले में पाया जाने वाली प्रमुख जनजाति में से कौन सा पाया जाता है कोरवा, झारखंड के किस जिले में जनजाति आबादी की सबसे अधिक प्रतिशत पाई जाती है खूंटी, झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है तो मुंडा, झारखंड में भारत की जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत रहती है तो 8.40, झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है तो हिंदू धर्म का, गरुड़ पुराण में कौन सी पेंटिंग मिलती है तो पैटकर, और झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से संबंधित मिलकर बनती है महली, संस्थाली समुदाय का अभ्यास चित्रों में कौन सा है तो जादोपटिया, झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु मनाया जाता है वसंत ऋतु में, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है तो आस्टिक एशियाई भाषा परिवार संबंधित है, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार का संगीत बजाते हैं नागपुरी संगीत, झारखंड के कौन से जनजाति जनसंख्या सबसे अधिक है संस्थाल, किस जनजाति में मृतकों की याद के लिए शासन दरी रखी जाती है मुंडा, कर्मनाश किस चीज़ को दर्शाता है एक पेड़ को, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है असुर, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यदगा यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में जिसका अर्थ है आंसुओं की नदी, झारखंड के संदर्भ में झीपली है तो लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण, संस्थाल परगना से संबंधित जनजाति कला का एक रूप पंछी पड़वंद मूलतः है तो महिलाओं की वेशभूषा, कोहवर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब होता है गुफा, झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार से संबंधित है चित्रकला, मंडा पर्व भगवान का पूजन के लिए किया जाता है महादेव, झारखंड की सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है संस्थाली, किस स्थान का नाम संस्थालों के पिता के नाम पर रखा गया लुगुबुरु घंटाबाड़ी, आगे है इसके बाद की डोकरा कला का प्रयोग होता है तो मूर्तियां बनाने में कृष्ण लीला और भाकुली बंडा और कीर्तनियां ये सभी प्रकार हैं नाटक के, हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः वैसाखी महीने में किस दिन मनाया जाता है आखिरी दिन में, झारखंड एक महत्वपूर्ण चावल से पेय जो बनता है हड़िया, हड़िया एक है तो स्थानीय मदिरा है, संस्थालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है बिटलाहा, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्ध भगत कहाँ के रहने वाले थे सिल्ली के, झारखंड में कितनी जनजातियाँ हैं 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं, JTEPLP का पूर्ण रूप क्या है झारखंड ट्राइबल इम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, संस्थाल जनजाति के मुख्य सरदार को क्या कहते हैं मांझी कहते हैं, मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है सिंह बोंगा,
झारखंड की कला और लोक संगीत की सुंदरता परिलक्षित होती है प्रकृति से। डोमकच लोकगीत झारखंड में कब गाया जाता है? विवाह के समय। झारखंड के गढ़वा जिले में किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है? विशु मेला का। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को कहते हैं होडो जगर, क्या कहते हैं? होडो जगर कहते हैं। आगे है इसके बाद, हर संस्थाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को कहते हैं मांझी। झूमर और टुनमुनिया और बारह हमास और झूला गीत ये सभी स्थानीय संगीत के प्रकार हैं कजली के। और किस नृत्य को युद्ध नृत्य शैली की संज्ञा दी जाती है? पाइका नृत्य को। चटंतरी और रस क्रीड़ा और थड़िया और खेमटा नृत्य है अग्नई का। किस नृत्य के प्रकार के नचनी खेलरी नृत्य कहा जाता है? कली। गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है कहलाता है पाहन, क्या कहलाता है? पाहन कहलाता है। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीण स्थान को घेरते हैं सरना। बीज बोने की त्यौहार को कहा जाता है रोहिणी। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्ति मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? डाली कटारी भूमि। सेंद्रा पर्व जनजाति से संबंधित है उराव से। छव नृत्य है, छव क्या है? नृत्य है। त्यौहारों के दौरान उराव जनजाति एक विशेष पेय का सेवन करती है हड़िया का। ओल चिकी पांडु लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। झारखंड में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 14, राज्यसभा के 6 और विधानसभा का टोटल 82। आगे है इसके बाद कि सेंद्रा क्या है, तो वार्षिक सामूहिक शिकार है। टुसू महोत्सव किस त्यौहार से मनाते हैं? तो मकर संक्रांति। आल्हा उदल जनजाति नायक व्यक्ति हैं बंजारा। बथोड़ी जनजाति को बोला जाता है भूमिज। दशहरा के समय किस नृत्य को शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा साथ किया जाता है? दशाएँ। छव नृत्य झारखंड के कौन से जिले में संबंधित है? सरायकेला खरसावां। जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के किस पर्व से सम्मान है? तो रक्षाबंधन। आगे इसके बाद की वैगा प्रजाति को कहते हैं पवित्र जानवर मानते हैं बाघ। ईदी मी जनजाति के विवाह का तरीका है असुर जनजाति का। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक सी टुकड़ा होता है भगवा। कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक माना जाता है और वर्ष में दो बार अर्थात अप्रैल और नवंबर के महीने में पाया जाता है? छठ मनाया जाता है छठ। और झारखंड की कौन सी जनजाति सत्य के लिए और सत्य हेतु सभी को बलिदान कर सकते हैं? खरवार। और आगे है कि झारखंड के जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? महली जनजाति को। झारखंड में कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस का एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट करती है? टुसू पर्व। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम में मनाते हैं? आगमन पर बसंत के। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता के लिए आराधना है? तो सूर्य का। संगीत के प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? फगुआ। आगे है कि अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो। प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार को पहले उराव ग्रामों में पुरोहित और लेखिक प्रधान करते थे गुड़ाइत। संस्थानों की सामुदायिक व्यवस्था में मांझी उप प्रधान कौन होता है? तो प्राणिक। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया परिवार को क्या कहते हैं? इसको भूईहारस कहते हैं। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? ग्रामीण देवता को शांत करना। आगे है इसके बाद की जनजातीय भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड की आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? असूरी। संस्थालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बापला। संस्थाली की प्रथम छोटी कहानी संग्रह था कुकमु। लांगड़े क्या है? तो एक प्रकार का नृत्य है। कजली कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। धुमकुरिया की जनजाति से सामाजिक संस्था है? तो उराव से। झारखंड की कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वंदना पर्व। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो पुरुष प्रधान है नटुआ नृत्य। डोमकच क्या है? तो एक तरह का लोक नृत्य है। और आगे है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत्र के महीने में। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? संस्थाल का। झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्यौहार कहा जाता है सरहुल को। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? छऊ नृत्य को। हिंदू भाद्रपद मास में जनजाति की कौन सी पूजा होती है? कर्मा पूजा होती है। संस्थालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी। झारखंड के किस जनजाति के समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि प्रयोग किया जाता है? संस्थाल। चित्रकला की कला जादोपटिया किससे विशेषता है? तो संस्थाल की। संस्थाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार है उराव कोरबा तथा पहाड़िया मालतो है। तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है ये।
और आगे है कि झूमर पाई का नटुआ तथा अग्नि का प्रकार है नृत्यों का। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? करमा। किस त्यौहार के दौरान गांव की पुजारी गांव के हर घर की छत छप्पर और परसाल के फूल रखता है? तो सरहुल। आगे है कि ओहिरा गीत के साथ कौन सा त्यौहार संबंधित है? वंदना पर्व। आगे कि किस त्यौहार में 9 दिन उपवास करने के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर हिंटते हैं? मंडा। आगे है कि कौन सा त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाओं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं? मुका सेंद्रा जनी शिकार। आगे झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? मिठाई के रूप में। झारखंड में अनुसूचित जनजाति किस प्रकार की कितने प्रतिशत है? तो 26.2%। आगे है कि झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? 32। झारखंड में राज्य में कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजाति की आबादी में आदिम जनजाति की संख्या कितना है? तो 1.92 लाख। मलेर किससे संबंधित है? तो सोरिया पहाड़िया से मलेर जो है वो संबंधित है। आगे है कि किरिंग बापला किस आदिवासी समूह से संबंधित है? संस्थाल से। झूमर किससे संबंधित है? पहाड़िया से। आंधी और ऊपर तीपी नाम से प्रचलित विवाह की जनजाति में है? हो जनजाति में। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति का परसेंट 26%। झारखंड के कुल 32 आदिवासी समुदाय, इनमें से अधिकांश जनजाति का स्रोत है प्रोटोस्ट्रोलाइड। झारखंड निवासी ललित मोहन रॉय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चित्रकारी से। संस्थाल का वर्ष किस माह से शुरू हुआ है? आषाढ़ से। मुंडा लोगों का माघे पर्व कब मनाया जाता है? तो पुष्प पौष माह में। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि मुंडा लोगों के किस त्यौहार में सरहुल की कहा जाता है? बा पर्व को। हो लोग अपने देवता को क्या कहते हैं? बोंगा कहते हैं। झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति क्या है? उराव है। सोसा बोंगा लोक कथा का संबंध किस जनजाति से है? मुंडा से। कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? नटुआ। जादू नृत्य का संबंध किससे है? सरहुल से। झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य के गायन का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है? छऊ लोक नृत्य में। आगे है कि परग नैत किससे परंपरा संगठित संस्थालों का है ये। आगे है कि परग नैत का सहायक कौन होता है? तो देश मांझी होता है। छोटा नागपुर की प्राचीनतम जाति कौन है? असुर बिरहोर खड़िया। संस्थाल गांव के पुजारी को क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। मुंडा जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? पढ़ा कहते हैं। मुखिया मुंडा को क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। खड़िया जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? देहरी कहते हैं। मांझी के लिए संदेशवाहक कौन करता है? गुड़ैत करता है। संस्थाल समाज में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? जोग मांझी देता है। जोग मांझी का सहायक कौन होता है? प्राणिक होता है। उरांव जनजाति का मूल निवासी कहाँ के थे? तो रोहतासगढ़ के। आदिम जनजाति कौन है? बिरहोर, असुर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सूर्य पहाड़िया, सबर पहाड़ और परहिया। बुनकर जनजाति कौन है? चीक बड़ाईक। उरांव अपने स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? कुड़ुक। मुंडा में युवा गिरह को क्या कहते हैं? गीती ओरा। वाग किस जनजाति गीत से संबंधित है? हो से। आगे है कि सोसा बोंगा कथा संबंधित है? तो मुंडा से। और यौनाचार वाले अपराधी संस्थाल को क्या कहते हैं? बिटलाहा। संस्थालों में सदाई बापला क्या है? तो करय विवाह। मुंडा जनजाति में कुरी घुनोंगा क्या है? तो कन्या शुल्क है। हो जाति में अंधी किससे संबंधित है? करय विवाह से। बिरहो जनजाति में करय विवाह किससे संबंधित है? सदर बापला से। संस्थाल के सदर पिता के कौन से वे कहाँ के ताल्लुक रखते थे? तो लुगु बुरु बोकारो। संस्थाल के सदाई बापला क्या है? तो करय विवाह है। मुंडा जनजाति में कुरु गुनुंग क्या है? तो कन्या शुल्क है। झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख जो है वो आदिम जनजाति है। 1.9 लाख जनजाति की विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है। और आगे है कि झारखंड की आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है हिल खड़िया। और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदिवासी। आगे है कि अनुसूचित क्षेत्र में आदेश के तहत 2003 में झारखंड के कितने जिलों में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया? 15 जिले। और मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो राजगीर से। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो खेती है। और झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? पश्चिम सिंहभूम में। सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किसके महिमा मनाई जाती है? जानवर धन के। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहते हैं? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा पहनते हैं, भगवा। कौन सी जाति उड़ीसा से आकर झारखंड बसी? खोंड। और आगे है इसके बाद की 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन से अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर है? तो 57% है। अनुसूचित क्षेत्र में परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? 5वीं। कौन सी जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है? संस्थाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। देखिए
वर्तमान में झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित 11 विश्वविद्यालय है। झारखंड में 8 विश्वविद्यालय है। झारखंड में 3 डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी विद्यापीठ और डीम्ड टू विश्वविद्यालय। आगे है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में अवस्थित है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में हुआ था। इसे IIT की मान्यता प्रदान किया गया है। 1955 में स्थापित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसर रांची में स्थित है। हिंदी विद्यापीठ देवघर में है। झारखंड का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है और रांची विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में हुआ था। और आगे है कि रांची विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में। विनोबा भावे का स्थापना हुआ था 1922 में और 1922 में स्थापित सिद्धो कानू विश्वविद्यालय दुमका में अवस्थित है। नीलांबर पितांबर विश्वविद्यालय का स्थापना 2009 में हुआ था रांची विश्वविद्यालय से विभाजित करके। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा विश्वविद्यालय का स्थापना 2009 में रांची विश्वविद्यालय को अलग करके किया गया था। 2017 में विनोद बिहारी महतो कोल्यांचल विश्वविद्यालय धनबाद में स्थापना किया गया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय से विभाजित करके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017 में बना है और झारखंड के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1981 में हुआ है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में स्थित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा के लिए झारखंड में 3 अभियंत्रण महाविद्यालय है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में है। आगे है कि झारखंड में चिकित्सा महाविद्यालय 3 है। झारखंड में सर्वप्रथम राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, रांची में हुआ था। और ये जो है महाविद्यालय का नाम परिवर्तित करके राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है। आगे है कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज MGM की स्थापना 1964 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। कब हुआ था? 1974 में। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना 1974 में हुआ था। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद में है। और झारखंड में कुल 41 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना 1918 में हुआ था। रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोविज्ञान एवं संबंध विज्ञान स्थापना 1925 में हुआ था। झारखंड वेनेटरी महाविद्यालय एवं रांची कॉलेज ऑफ वेनेटरी एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची में अवस्थित है। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में अवस्थित है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची में अवस्थित है। बिल्डर प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान रांची में अवस्थित है। ला अनुसंधान जो है वो रांची में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो जलगोड़ा में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। केंद्रीय तसर अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण रांची में है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील रांची में है। मृदा स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में है। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में है। कृषि पर्यटन केंद्र कृषि भूमि अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण हजारीबाग में है। और कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में है। जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान रांची में है। रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट 1953 में स्थापित किया गया था। 1952 में स्थापित श्री लोक प्रकाशन प्रशिक्षण संस्थान रांची में अवस्थित है। हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र 1912 में स्थापित हुआ था। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल मेरू हजारीबाग अवस्थित है। हजारीबाग स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल अब स्थापना 1966 में हुआ था। नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड में अवस्थित है, लोहर लातेहार जिला में। नेतरहाट आवासीय विद्यालय का स्थापना 1954 में हुआ था। हजारीबाग में अवस्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय का स्थापना 1984 में हुआ था। सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा में स्थित है। तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना 1963 में हुआ था। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची में अवस्थित है। SPG ब्लाइड स्कूल में रांची में अवस्थित है। गुरुकुल महाविद्यालय देवघर में अवस्थित है। झारखंड में 19 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मी रांची में स्थित है। और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची में 2010 में स्थापित किया गया है, ठीक है। और आगे है कि रांची संग्रहालय जो है 1972 में इसका स्थापना हुआ है। आगे है झारखंड के विश्वविद्यालय। देखिए रांची विश्वविद्यालय रांची 1960 में स्थापित हुआ है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग 1992 में। सिद्धू कान्हू दुमका 1992 में। नीलांबर पीताम्बर मेदिनीनगर 2009 में। कोल्हान चाईबासा 2009 में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके 1981 में। कोल्यांचल विश्वविद्यालय धनबाद में 2017 में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय रांची में 2017 में। झारखंड के डीम्ड विश्वविद्यालय इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT धनबाद 1926 में। हिंदी विद्यापीठ जो 1900 मान्यता इसको रद्द हो गया 2015 में देवघर में है। 1929 में स्थापित हुआ था। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में है। 1955 में स्थापित हुआ था। आगे है झारखंड के पुस्तकालय संग्रहालय। तो देखिए राज्य पुस्तकालय रांची में 1953 में स्थापित हुआ था। राज्य पुस्तकालय चाईबासा 1957 में। राज्य पुस्तकालय धनबाद 1956 में। राज्य पुस्तकालय दुमका 1952 में। प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग 1922 में। रांची संग्रहालय रांची 1972 में। उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी रांची में 1946 में।
आगे है झारखंड प्रशासकित जो प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्र पत्रिकाएं हैं। देखिए यहाँ पास है कि हिंदुस्तान दैनिक या रांची जमशेदपुर धनबाद, जन्म दैनिक 1958 धनबाद, आज दैनिक जो रांची में, आवाज 1947 धनबाद में, रांची एक्सप्रेस 1963 रांची में, रांची नवीन मेल 1994 मेदिनीनगर में, प्रभात खबर 1984 में रांची जमशेदपुर और धनबाद देवघर में, संगम रांची में, फारूखी तंजीम उर्दू में रांची में, दैनिक जागरण 2003 में रांची जमशेदपुर धनबाद देवघर, और उदित वाणी दैनिक 1968 जमशेदपुर में, सदा एक झारखंड रांची में, और अमृत बाजार पत्रिका 1963 में, और दैनिक भास्कर 2010 में रांची जमशेदपुर और धनबाद में। आगे है छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, तो नेतरहाट को कहा जाता है। और आगे है इसके बाद कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था, तो साजकी था। झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ गंगा नदी गुजरती है, साहेबगंज जिला है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है चतरा को। किनन स्टेडियम का पुराना नाम क्या है, टेम्पल ग्राउंड। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में। मंगोलियन पॉइंट कहाँ है, नेतरहाट में। रीन पॉस का पूर्ण नाम क्या है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइटिक एंड एलाइट साइंसेज। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का पहले का नाम क्या था, रांची। यूरोपियन ल्यूमेटिक एसाइलम। जनजातीय शोध संस्थान कहाँ है, रांची में है। हिंदी विद्यापीठ देवघर में है। झारखंड में रेलवे बोर्ड कहाँ है, रांची में। झारखंड पूर्व रेलवे डिवीजन कार्यालय धनबाद में है। झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे डिवीजन कार्यालय चक्रधरपुर में है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, हजारीबाग जिला में है। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए झंगू जनजाति की चित्रकला में लुप्त प्राय जंतु का चित्र उकेरा जाता है। कुर्मी जनजाति की एक अलग चित्रकला सोहराई है जिसमें वे अपने नाखून और लकड़ी के कंपास का प्रयोग करते हैं। बेह बारा में कुर्मी चित्रकला में ग्लिस्टिक आर्ट का प्रयोग करते हुए जिसमें वे घरों की दीवारों पर पौधे एवं फूल का चित्रकारी करते हैं। मंडाला पेंटिंग बिरहोर एवं भूया जनजाति संबंधित है। तूरी जनजाति बास्केट और बांस से बने हुए सामान को बनाने के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में बनने वाला पतल और प्लेट साल के पत्तों का एवं सवाई की घास का बना होता है। चाई बासा चटाई रंगीन बक्से और पेंट स्टैंड और गुड़िया बनाने के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में टुपुदाना में ऐसे खिलौने बनाए जाते हैं जो एकमात्र प्रतिरूप होता है। धोकरा बास्र धातु से बनाया गया ऐसा गहना जिसका दूसरा प्रतिरूप नहीं होता है, यह मल्हार और त्रेनी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। आगे है इसके बाद कि बास्केट या डोलची जो है वो झारखंड के चूर कहा जाता है। आगे है इसके बाद कि तारा काता एवं पान काता हेयर क्लिप्स जो दिल की आकृति का होता है जो हमेशा जोड़े में होता है। उल्टी छाता जैसे कलाकृति झारखंड की खूंटी जिला में किया जाता है। मास्क का प्रयोग छौ नृत्य में किया जाता है। झारखंड में पर्यटकर चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है जिसे जीवन के बाद अर्थात मृत्यु के बाद जीवन की चित्रकारी कहा जाता है। छौ नृत्य को पहनने वाला मुखौटा सिंहभूम के एवं पूर्णिया जिले में बनाया जाता है। बांस का बाजार नेतरहाट में स्थित है और काम कट पेंटिंग उराव जनजाति संबंधित है। अंगिका भाषा सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला संस्थान पर ग्राम क्षेत्र में है। बिरहोर कोरबा हिल खड़िया जनजाति हंटर गैदरर जैदर प्रकार की खेती करते हैं। सौर्य पहाड़िया शिफ्टिंग खेती करते हैं। महली और लोरहा चीक बड़ाई सिंपल और आस्ट्रिसंस जनजाति हैं और भक्ता पर्व बूढ़ा बाबा से संबंधित है। और हैला पुनः पर्व माघ के पहला दिन मनाया जाता है। रोहिणी पर्व बीज बोने का त्यौहार है। दुरा और जमाकान और कानी को भाई राम मुंडा द्वारा लिखित पुस्तक है जो लोक कहानी का संग्रह है। और मुंडा दुरा जो कि WC आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक है जो लोक गीत से संबंधित है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग झारखंड समान के अंतिम मैराथन यानी कि 10वें मैराथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।